भगवान गणेश नूं रिद्धि सिद्धि दा दानी कहा जांदा है। इस लई किसी भी धार्मिक रस्म विच उन्हां दी पूजा पहलां कीती जांदी है। विघनहर्ता भगवान गणेश नाल संबंधित कई मिथ्यासिक कहानियां उन्हां प्रति लोकां दे सत्कार नूं वधाउंदियां ने। भगवान गणेश दी हमेशा गजनन दे रूप विच पूजा कीती जांदी है, पर उन्हां नूं हाथी दा सिर किवें मिलिया अते जिथे उन्हां दा असली सिर पिंडी रूप विच स्थित है, अज असीं तुहानूं इस नाल रूबरू करवाउण जा रहे हां। ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਿਥੌੜਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੰਗੋਲੀ ਹਾਟ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਇਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਐਸਾ ਪੁਰਾਤਾਤਵ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿੰਵਦੰਤੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕਾ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਜੋ ਬੈਠਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਪਾਤਾਲ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੈ, वहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती है वो वास्तव में एक धड़ टाइप का वो पत्थर का बना हुआ जो है, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है वहाँ पर चूने का पानी गिरता है, जिस कारण से वहाँ पर अनेक रचनाएं हुई हैं। वहाँ पर ये किंवदंती है कि जब शिव जी ने पार्वती के द्वार पर उनको रोका गया गणेश द्वारा, उसका सिर अलग कर दिया था, फिर हाथी का सिर लाया गया पार्वती के अनुरोध पर, उनको गणेश बना दिया, लेकिन जो हाथी का धड़ जो है वो गिरा हुआ कहते हैं कि पाताल भुवनेश्वर में किंवदंती प्रचलित है। वहाँ पर लोग जाते हैं, उस धड़ नुमा पत्थर को देखते पूजा अर्चना करते हैं। पुराणा के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर तो इलावा कोई जगह नहीं है जिथे चारे धामां दे दर्शन होंदे ने। पाताल भुवनेश्वर च गुफा केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ भी दिखाई देते हैं। इस गुफा का वेरवा स्कंद पुराण विच मिल सकता है। कलयुग च जगत गुरु शंकराचार्य का 722 ईस्वी के लगभग जब इस गुफा में साक्षात्कार होया तो उन्होंने मंदिर के अंदरले शिवलिंग नू तांबे नाल बंद कर दिता सी, क्योंकि इस शिवलिंग च इन्ना तेज सी कि कोई भी इस नू नंगी अखा नाल नहीं देख सकता सी। बहुत विदित स्थान है, यहाँ से कैलाश तक उसका लिंक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाताल में जो गणेश जी का कटा हुआ विग्रह है, क्योंकि वहाँ गणेश जी का जो है मैन विग्रह दिखाया गया है। दूसरी बात यह है, जैसी सृष्टि की रचना हुई वैसे ही पाताल की रचना भी हुई है, क्योंकि सृष्टि का संबंध पाताल के साथ है, क्योंकि वहाँ कलयुग का अंत है, तो जब उसके अंदर कलयुग का अंत बताया गया है तो उससे यह विदित होता है कि सृष्टि की पूरी रचना ही इस पाताल में हुई होगी। एक चर्चित गुफा है और ये पौराणिक गुफा है और इसे पौराणिक काल से इसका जिक्र आता है और इसके ये पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में है। ये भी बताया जाता है इसमें कि अयोध्या के राजा ऋषि पर्णा के द्वारा यहाँ आए थे, तो उन्हें मृग की ढूंढ में यहाँ गए थे, तो इनको यहाँ शिवलिंग मिला और ये पाताल गुफा के अंदर वो गए थे मृग के पीछे, तो यहीं से शिवलिंग का पता लगा। बाद में शंकराचार्य ने भी यहाँ पर तांबे का शिवलिंग स्थापित किया और ये कोई सिद्ध जगह है। अभिलेख जो है 14वीं शताब्दी में भी मिले हैं, मुगल काल में उसके बाद एक अभिलेख लिखा हुआ है और ये गुफा एक दर्शनीय स्थल है, एक रमणीय स्थल है और एक आश्चर्यजनक बात है। ये इस गुफा च चार युगों के प्रतीक वजों चार पत्थर स्थापित किए गए ने। गुफा विच दाखिल होंदे ही नरसिम्हा भगवान के दर्शन होंदे ने। कुछ हेठा जाते ही शेषनाग के फन्ना की तरह उभरदा ढांचा पत्थरों ते दिखाई देता है। यह मन्या जाता है कि धरती इन्हां उत्ते ही टिकी हुई है। थोड़ा अगे जाते ही भगवान शिव की जटावों तो वहदी गंगा और काल भैरव की जीभ तो टपकती लार लोगों को हैरान कर देती है। इरावत हाथी भी इत्थे ही दिखाई देवेगा और स्वर्ग का रस्ता भी इत्थों शुरू होंदा है। इस तो इलावा इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवत्यां दी दुनिया वसी हुई है। इस स्थान पर पहुँचन तो बाद तुसी इन चीज़ों पर विश्वास करन तो अपने आप को रोक नहीं सकोगे। पिथौरागढ़ तो प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट, ETV भारत।